हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, इट इज़ द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करने से पहले फिर से थोड़ा सा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी, ताकि हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। स्टूडेंट्स, मेंडेलीव्स लॉ ने ये कहा था कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या मतलब हुआ इसका कि इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द एलिमेंट्स रिपीट देयर प्रॉपर्टी। अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में अरेंज करें, तो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो पहले वाले एलिमेंट की तरह अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये बात हमें बताई थी मेंडेलीव ने। लेकिन मेंडेलीव के इस लॉ से की वजह से जो उसने जो टेबल बनाई थी, उस टेबल में कई सारी मिस्टेक्स हो गई थी और कई सारी लिमिटेशंस उसके अंदर आ गई थी। उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मॉज़ली ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। उसने मेंडेलीव लॉ को ही फॉलो करा, बस उसने एक वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और वो वर्ड क्या था, एटॉमिक मास। उसने एटॉमिक मास को किससे रिप्लेस कर दिया, एटॉमिक नंबर से। बस बाकी सब जो जैसे मेंडेलीव ने कहा था बिल्कुल वही डेफिनेशन, बस आपको एटॉमिक मास की जगह पे क्या लगाना है, एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक मास इज रिप्लेस्ड बाय एटॉमिक नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मीन्स इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम दे विल रिपीट देयर प्रॉपर्टी। इसमें स्टूडेंट्स हमें थोड़ी सी यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इस स्टेटमेंट में कि सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये इतनी बड़ी लाइन को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो क्या है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब यही है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं एटॉमिक नंबर के बेस पर, और फिर से वो थोड़ी देर बाद में हमें ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट की जैसे क्या शो कर रहा है, प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं, और वो क्या है, पीरियोडिसिटी। इसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, और वो एग्जांपल आपको ये भी बताएगा व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, क्यों कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद में ऐसे एलिमेंट्स की रिपीटिशन होती है जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने से पहले वाले एलिमेंट के जैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने सेकंड चैप्टर की वीडियो मैंने जब बनाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर द बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है और जानना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जानना होगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको वही बात कर रही हूँ कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लें, जिसमें हमारा आता है लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और वो क्या देखने को मिलता है कि लीथियम में 2s है, सोडियम में 3s हो गया, पोटेशियम में 4s, रुबीडियम में 5s, सीजियम में ये हमारा हो गया 6s, और फ्रॉन्शियम में ये हमारा हो गया 7s।
इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम लिथियम से फ्रोनिशियम की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे शेल नंबर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। एक एक शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिर भी एक सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, और वो क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रही है कि सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, और सभी के एस में एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है हर एक के अंदर। ठीक है, इसका मतलब इनका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन है। चाहे वो लिथियम हो चाहे वो फ्रोनशियम हो, वो उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। उसकी वजह से इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेम। इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। और इसी वजह से सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम होती है। क्या समझ में आया अब हमको इससे, क्या समझ में आया? क्योंकि हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम बाकी के इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो, केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इन्हीं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से या शेयर होने से या तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं या क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड बनने से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो कंपाउंड्स जब बनेंगे तो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो भाई केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का कारण कौन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रोल तब होता है जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात होती है। हमें जो केमिस्ट्री पढ़नी है उसके अंदर सारा खेल किसका खेला हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी सेम होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कैसी होंगी, सेम होंगी। और इस तरह से हमें क्या पता लगा कि पीरियोडिसिटी यानी कुछ निश्चित अंतराल के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बताया कि मेंडेलीव लॉ क्या है, मोज़ले लॉ क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और वो हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसका जो बेस है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं हमारी जिनके ऊपर ये बेस्ड है, जिन दो चीज़ों के ऊपर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है, वो है वो आते हैं नंबर वन एटॉमिक नंबर एंड नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर वाली बात हमें किसने बताई थी, मोज़ले ने बताई थी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल से किसने रिलेट करा, बोहर ने। इसलिए इसको हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पर भी बेस्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी बेस्ड है। एटॉमिक नंबर वाली बात हमें बताई थी मोज़ले ने, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसने फॉर्म किया था, बोहर ने फॉर्म किया था। यानी इस टेबल को बनाने वाला बोहर था, लेकिन उसके पीछे जो बेस था कि वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दैट बेस इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दैट वॉज गिवन बाय मोज़ले। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब हम आते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, ठीक है, और साथ के साथ हम इसको कंपेयर भी करते चले जाएंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से। ठीक, अब इसके अंदर अगर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर,
तो आप देखेंगे इसमें हमें कुछ वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये वर्टिकल क्या है, लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, और ये टोटल कितनी है, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 इन वर्टिकल लाइंस को मेंडेलीव ने भी ग्रुप कहा और मॉज़ले ने भी क्या कहा, ग्रुप ही कहा। यानी कि हमारे पास में जो टोटल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 18। अगर मैं इसको मेंडेलीव से कंपेयर करूं तो जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अंदर टोटल ग्रुप्स कितने थे, 8 थे, लेकिन उसने 8 ग्रुप्स को क्या करा था, सब डिवाइड करा, और सब डिवाइड करने के बाद हमें 17 कॉलम मिल गए थे, 17 वर्टिकल कॉलम्स मिल गए थे। अगर मैं इसके टोटल वर्टिकल कॉलम्स की बात करूं तो कितने थे, 17, और मॉडर्न की बात करूं तो कितने हैं, 18। यानी कि इसमें एक ग्रुप क्या है, ज़्यादा है, और वो ग्रुप किसका है, नोबल गैस का, जिसको हम क्या कहते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, जो मेंडेलीव के टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पीरियड्स की। तो टोटल पीरियड्स जो हैं वो कितने हैं मॉडर्न में, जो टोटल पीरियड्स हैं मॉडर्न के अंदर वो कितने हैं, 7। और टोटल पीरियड्स जो थे वो मेंडेलीव के पास में भी कितने थे, 7 ही थे, लेकिन उसने पीरियड्स की जगह पे क्या नाम दिया था, सीरीज। जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, जिसको कि मेंडेलीव ने क्या कहा था, सीरीज कहा था। मेंडेलीव ने भी 7 सीरीज बनाई थी, और जो अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर भी टोटल कितने पीरियड्स बने हुए हैं, 7 बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप्स कितने हो गए, 18, और टोटल हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स कितने हो गए, 7। ठीक है, अब यदि मैं इनको थोड़ा और डिटेल में जाऊं मैं इनकी, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं पीरियड के हिसाब से चलूं तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसको हम कैसा पीरियड कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते, शॉर्ट टेस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा पीरियड है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। ठीक है, अब यदि मैं सेकंड पीरियड में चलती हूँ तो यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए, 8। अगले में चलूँ तो वहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगले में भी कितने हो गए, 8 हो गए। फोर्थ पीरियड की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितने हो गए, 18 हो गए, और अगले में भी कितने हो गए, 18 हो गए। अब अगले में यदि आप देखो तो आपको देखने में कितने लग रहे हैं, 18 लग रहे हैं, लेकिन इसमें से 14 एलिमेंट्स नीचे हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो 18 प्लस 14 ये वाले मिलकर कितने हो गए, 32। और इन द सेम वे 18 तो ये और 14 नीचे वाले, तो ये भी कितने हो गए, 32 हो गए। यानी जो हमारे 7 पीरियड्स हैं वो इस तरीके से हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फर्स्ट पीरियड को हम क्या पीरियड कहते हैं, शॉर्टेस्ट। सेकंड और थर्ड पीरियड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। पहले जो सेवन्थ पीरियड था इसको क्या कहते थे, इनकम्प्लीट पीरियड कहते थे।
लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड में काउंट करते हैं, क्योंकि उस समय तक सभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन अब सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, डिस्कवर हो गए हैं, इसलिए इनकम्प्लीट वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास में एक शॉर्टेस्ट पीरियड है, दो शॉर्ट पीरियड है, दो लॉन्ग पीरियड है, और दो ही हमारे पास में क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। ठीक है, तो ये हमारी बात किसके बारे में हो गई, पीरियड्स में। यहाँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है, और वो क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, दीज आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। अगर हम इन मैजिक नंबर्स को इस्तेमाल करें, तो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो हम एटॉमिक नंबर का पता लगा सकते हैं। सपोज़ करो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हमने 2 ऐड करे, तो हमारे पास क्या आ गया, लीथियम। लीथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अब इसके अंदर यदि मैंने 8 ऐड कर दिए, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। अब 11 में मैंने कितने ऐड कर दिए, 8, तो बोलो कितने हो जाएंगे, 19। अब 19 में मैंने कितने ऐड कर दिए, 18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 37। इसमें मैंने फिर 18 ऐड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 55। और इसमें मैंने फिर कितने ऐड कर दिए, 32, तो ये कितना हो जाएगा, 87। यानी ये वो मैजिक नंबर्स हैं जिनको अगर हम पहले वाले एलिमेंट में ऐड करते चले जाएं, तो हमें अगले एलिमेंट का क्या पता लग जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किसके बारे में, हो गई पीरियड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब हम जब ग्रुप की बात करते हैं, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, लेकिन इन 18 ग्रुप्स को भी हमने सब डिवाइड कर रखा है, कितने ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक्स के अंदर, जिसमें पहला ब्लॉक हमारा कौन सा आता है, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में हमारे कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 से 1 and 2। जो ग्रुप नंबर 1 and 2 हैं, वो किस में आ जाते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, एस में एंटर करेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 18 तक चलेंगे। तो यहाँ हमारे जो ग्रुप्स आएंगे, वो आएंगे 13 से लेकर के 18 तक। उसके बाद में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, जिनको हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो आते हैं। और वो हमारे कहाँ से कहाँ तक होंगे, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, उनके जो ग्रुप होंगे, वो 3 से लेकर कहाँ तक होंगे, 12 तक होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट सभी के सभी कौन से ग्रुप में आएंगे, 3rd ग्रुप में आएंगे, इसको मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो अब आप देखिए कि हमने इस पूरी पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, लास्ट में आता है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने वाला एक ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और एक पीरियोडिक टेबल से हट के नीचे हमने बना रखा है, और वो हमारा क्या है, एफ ब्लॉक है। ठीक है, अब हम इसमें एक एक को देखते हैं, 1 by 1। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों हैं, 1st and 2nd? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, पीरियोडिक टेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो इसमें ग्रुप भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। कौन कौन से ग्रुप, 1st and 2nd ग्रुप। ठीक है,
इसके बाद में जब हम पी ब्लॉक में चलते हैं तो हमने देखा टोटल कितने ग्रुप आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों आए 6? अब आप बता सकते हो कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स क्यों आए, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर पी ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। तो भाई इसमें कितने ग्रुप हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसका नाम, उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। किसको? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का अगर हम टोटल कर दें तो हमें क्या मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें किस में आएगा, वैलेंस शेल में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, अलग अलग करेक्टर्स बताऊंगी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, तब हम बात करेंगे कि इसमें इनको हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों कहा, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं हम डी ब्लॉक, तो मुझे बताओ कि डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होंगे, डी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 10। तो ऑब्वियसली उसमें ग्रुप भी कितने होंगे, 10 होंगे। और ये ग्रुप्स कौन से होंगे, 3 से लेकर के 12 तक। यदि हम इसको काउंट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब जो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब हमारे को थोड़े समझ में आएंगे ना, तभी हमको कौन से ब्लॉक के एलिमेंट समझ में आएंगे। एफ ब्लॉक के फिलहाल मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इनको हमने डी ब्लॉक इसलिए कहा है क्योंकि इन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें किस में आएगा, डी के अंदर आएगा, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। इनको हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम करते हैं, उनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं। और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और ये सभी चेंजेस डी ब्लॉक से होते हुए होते हैं, यानी ये चेंजेस किस में हमें देखने को मिलेंगे, डी ब्लॉक में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम टेक्निकल केमिकल टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो वो कुछ और है, लेकिन मैं अभी 11th में उसकी बात नहीं करूँगी, उसकी बात हम करेंगे 12th में। फिलहाल हमें यही याद करना है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में किसका काम करता है, ब्रिज एलिमेंट्स का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें हमें 4 सीरीज देखने को मिलती है। ये वाली सीरीज है फर्स्ट सीरीज, ये मिली हमको फर्स्ट सीरीज, ये होगी सेकंड सीरीज, ये हो गई थर्ड सीरीज और ये हो गई फोर्थ सीरीज। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम वर्टिकली ना पढ़कर हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, और यहाँ हमें कितनी सीरीज देखने को मिलेंगी, 4 सीरीज देखने को मिलेंगी। और इन 4 सीरीज के नाम क्या क्या होंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। जो ये पहली सीरीज होगी इसको हम बोलेंगे 3D सीरीज, जो सेकंड सीरीज है इसको हम बोलेंगे 4D सीरीज, जो थर्ड सीरीज है इसको हम बोलेंगे 5D सीरीज, और जो फोर्थ सीरीज है उसको हम बोलेंगे 6D सीरीज। क्यों क्यों बोलेंगे ऐसा हम, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 3D में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 6D में आएगा। आप सोच रहे होंगे मैं इसकी इतनी डिटेल क्यों बता रही हूँ, एस की और पी की नहीं बताई, क्योंकि बच्चों मुझे एफ ब्लॉक समझाना है तो उसके लिए आपको डी ब्लॉक को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर जो है 12th में और 11th में अगर हम दोनों को मिला दें तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में है। अगर हम 11th की बात करें तो हमें केवल 4 ही ग्रुप्स करने हैं इस साल, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13th ग्रुप और 14th ग्रुप, यही 4 ग्रुप्स करने हैं हमको। लेकिन अगर मैं 12th भी ऐड कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री के अंदर 11th
का जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्वेल्थ क्लास। अगर आपको इलेवेंथ का आता है तभी ट्वेल्थ का आएगा, अदरवाइज आपको ट्वेल्थ का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी एक फाउंडेशन होती है तो वो इलेवेंथ क्लास, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी वो क्या है ट्वेल्थ क्लास। अगर आपकी फाउंडेशन वीक रह गई तो आप ट्वेल्थ में कुछ नहीं कर पाओगे। और वैसे भी आधा पोर्शन इलेवेंथ में और आधा पोर्शन किस में है ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेवेंथ का पूरा सिलेबस आ जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फोर सीरीज हो गई, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज हो गई। ठीक है, अब अगर हमें इस साल ये पूरी सीरीज याद नहीं होती, नेक्स्ट ईयर तो करनी ही है, अगर इस साल हमें पूरी सीरीज नहीं होती तो भाई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट तो कर ही लीजिए। ठीक है, तो हम हर सीरीज का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कर लेते हैं विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक, तो जो 3D सीरीज है, जो फर्स्ट सीरीज है, उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है Sc यानी स्कैंडियम, और लास्ट एलिमेंट कौन है जिंक 30। ये तो हमें वैसे भी याद होना चाहिए, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था प्रीवियस वीडियो में तब हमने 21-30 किए ही थे हमने, तो ये वही सीरीज है आपकी। फर्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम एंड लास्ट एलिमेंट इज जिंक, एंड इट इज एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30। ठीक है, अब उसके बाद में आता है आपका कि जो सेकंड सीरीज है जिसको हम क्या कहते हैं 4D सीरीज कहते हैं, तो 4D सीरीज के अंदर जो है ये Y यानी यूट्रियम से शुरू होगा और CD यानी कैडमियम पे ख़त्म होगा, YCD। ठीक है, और YCD में जो Y है यूट्रियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 39, और जो कैडमियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 48 है। नेक्स्ट सीरीज जो होती है ये समझने वाली है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट La यानी लेंथेनम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 57। अब अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो 57 के बाद क्या आना था 58, लेकिन नहीं, यहाँ क्या आ रहा है 72 हैफनियम, और 72 हैफनियम से लेकर मरकरी 80 तक आ रहे हैं इसमें एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स तो यहाँ भी 10 हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, लेकिन बीच में 58 से लेकर 71 के एलिमेंट्स गायब हैं। वो एलिमेंट्स गायब नहीं हैं, उन एलिमेंट्स को हमने इस पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग जगह दी और वो यहाँ है। आप देखिए यहाँ 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स हैं, यानी सीरियम से लेकर लुटीशियम तक हैं 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स हैं। आप बताओ F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, इसलिए यहाँ कितने एलिमेंट्स हो गए 14। अभी हम बात करेंगे कि हमने इसको पीरियोडिक टेबल से अलग जगह क्यों दी। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये याद करवा रही हूँ फोर सीरीज, तो लेंथेनम, लेंथेनम के बाद क्या आया हैफनियम, हैफनियम से लेकर के मरकरी तक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में जब हम चलते हैं सेवन्थ पीरियड में चलते हैं तो जो हमारी फोर्थ सीरीज है जिसको हम क्या कहते हैं 6D सीरीज भी कहते हैं, इसमें आपका पहला एलिमेंट कौन आ रहा है एक्टिनियम 89, उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है रदरफोर्डियम, RF रदरफोर्डियम 104 से लेकर के 112 तक, जिसको हम बोलते हैं UUB। अब आप कहोगे UUB क्या है, एक्चुअली अभी तक जो नाम हम कर रहे थे वो कॉमन नेम थे, और अब जो ये UUB है ये क्या है IUPAC नेम है, यूनी बाइयम, यूनी मीन्स वन, यूनी मीन्स वन, बाइयम मीन्स टू। तो जब एलिमेंट्स बहुत सारे डिस्कवर हो गए थे तो उनको हम कॉमन नेम नहीं देना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग सभी को एक ही तरह का नाम मिल जाए, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबको एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम बना, और उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है यूनी बाइयम। अब हमने क्या याद करा इसके अंदर 21 से 30, 39 से 48, 57, 72 से 80, 89, 104 से लेकर 112 तक। अब देखिए 89 के बाद 90 से लेकर 103 के एलिमेंट्स यहाँ हैं, जो किस में आ रहे हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स में।
अब मुझे टोटल काउंट करके बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो सीरीज़ कितनी है, 4, और हर सीरीज़ में कितने एलिमेंट्स हैं, 10, यानी टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 40 हो गए, 10 10 10 एंड 10। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मेन पीरियोडिक टेबल में जगह क्यों नहीं दी, एंड इट इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी भी ये लिमिटेशन है जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो ये पीरियोडिक टेबल चल रही है, इसकी लिमिटेशन है ये कि इसने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रॉपर जगह नहीं दी, इसने मेन पीरियोडिक टेबल में इसको जगह नहीं दी, इसको उससे बाहर निकाल कर नीचे जगह दी है, इनके साथ इनजस्टिस किया है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्या मजबूरी रही? मजबूरी ये रही कि ये वाले जो एलिमेंट्स थे 14, ये 14 के 14 एलिमेंट्स किसके साथ मिलने थे, लैंथेनम के साथ होने थे। अब आप बताइए, एक ब्लॉक में तो एक ही एलिमेंट है ना, अगर हम इन 14 एलिमेंट्स को यहाँ रख देते तो क्या कितने एलिमेंट्स हो जाते, 15। तो एक ब्लॉक में 15 एलिमेंट्स को तो नहीं रख सकते थे हम। इन द सेम वे नेक्स्ट में सेम प्रपोजिशन किसकी हुई, एक्टिनियम की, कि ये वाले 14 एलिमेंट्स और ये एक्टिनियम सब के सब कहाँ होते, एक साथ होते, यानी 15 एलिमेंट्स एक ही ब्लॉक में होते, जो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इनको अलग से जगह दे दी ताकि इनको हम प्रॉपरली शो कर सकें। ठीक है, अगर हम 15 एलिमेंट्स को एक जगह शो कर देंगे तो फिर हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको अलग से जगह दी गई। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए कि इनको हम एफ ब्लॉक क्यों कहते होंगे, बताओ क्यों कहते होंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ में जाएगा, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने क्या कहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही कौन घुसे हुए हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स घुसे हुए हैं, और ये भी, जब ये भी इसी के बीच में घुसे हुए हैं तो भाई ये भी तो प्रॉपर्टी को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, जब हम एस ब्लॉक से किस में जा रहे हैं, पी ब्लॉक में जा रहे हैं, यानी दे आर ऑल्सो द ट्रांजिशन सीरीज, दे आर ऑल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, बिकॉज दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर ऑल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So, to distinguish between D and F block elements, we give it another name, that is inner transition elements, means it is a transition series which is present in transition series. ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एक और ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स और उसके अंदर एक और बॉक्स हो, तो बॉक्स विद इन अ बॉक्स है ना, इन द सेम वे यहाँ पर एक ट्रांजिशन सीरीज के अंदर दूसरी ट्रांजिशन सीरीज है, तो जो वो अंदर वाली ट्रांजिशन सीरीज है उसको हमने क्या नाम दिया है, इनर ट्रांजिशन सीरीज दिया। इसको हमने लैंथेनॉइड क्यों कहा, इसको हमने लैंथेनॉइड इसलिए कहा क्योंकि लैंथेनम के बाद आ रहा है, इसको हमने एक्टिनॉइड्स इसलिए कहा क्योंकि ये एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद आ रहा है, लैंथेनम के बाद आने वाला लैंथेनॉइड, एक्टिनियम के बाद आने वाला एक्टिनॉइड्स। इसको हमने 4F क्यों कहा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में आएगा, इसको हमने 5F क्यों कहा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 5F में आएगा। ठीक है, अब 14 एलिमेंट्स ये हो गए, और 14 एलिमेंट्स ये हो गए, तो टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 28, और टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे, 40 हो गए। रिमेनिंग हमारे क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गए, जिसमें आपके कौन से आ गए, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक आ गए। ठीक है, आई होप आपको आज मैंने जितना भी पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन डिटेल विद देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आज के लिए बस इतना ही, सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, डू स्टडी, गुड बाय।